A very good morning students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you mathematics. Now I am going to take up chapter 11. Students, इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट हमें दिया हुआ है यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए रीड करते हैं. इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन, अगर हमारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वन है तो वो क्या है, इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. देखिए स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा था कि न्यूमरेटर क्या होता है. ये देखिए हमारा फ्रैक्शन है 1/2, इसमें जो 1 है वो क्या है, हमारा न्यूमरेटर, और 2 है वो क्या है, डिनोमिनेटर. अगर हमारे फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर 1 होगा तो वो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन. देख सकते हैं आप एग्जांपल में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ये सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, बिकॉज इनका न्यूमरेटर 1 है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. इन द अबव फिगर्स, देख सकते हैं अभी आपको फिगर्स दिए गए हैं. All the fractions have same denominators. इन सबके देख सकते हैं आप, same denominator है. Denominator मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, नीचे वाली value जो होती है. देखिए ये भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सबके denominator same है, that is 4, जो कि 4 है. Such type of fractions are called like fractions. ये कौन से fraction होते हैं, like fraction, जिसके denominator same होते हैं सभी के, वो कैसे fraction होते हैं, like fractions होते हैं. Okay students. नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों, अलग अलग हो, 3, 4, 5, 7 इस टाइप के हों, तो वो क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पहले चलिए हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं. फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल में दिया है 1/2, इसमें देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. देखिए 3/5, 6/7, 5/9, इन सब में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. जिसमें देखिए जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, एग्जाम्पल में देखेंगे 5/4, देखिए इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 4/3, 12/5, 13/8, इन सब में आप देख सकते हैं, सब में डिनोमिनेटर से बड़े हैं न्यूमरेटर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड नंबर्स. मिक्स्ड नंबर्स क्या होते हैं, अ फ्रैक्शन हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड नंबर. मिक्स्ड नंबर क्या होता है, जिसमें क्या, इसमें कॉम्बिनेशन हो किसका, एक होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नंबर. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक आप इसमें देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है 1 होल 1, देखिए होल है ना, एक होल नंबर है एक, तो इसको कैसे रीड करेंगे, 1 होल 1/2. तो देखिए इसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, इसको हम रीड करेंगे 1 होल 1/2. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11C. ओके, जो अभी हमने रीड किया था उसी के बेसिस पर ये एक्सरसाइज है. चलिए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, इनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस इन ईच ग्रुप. इसमें देखिए ग्रुप्स दिए गए हैं, इसमें हमें सर्कल किस पर करना है, यूनिट फ्रैक्शंस पर. अभी हमने क्या पढ़ा था, यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर 1 हो वो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन. तो चलिए हम देखते हैं उस पर हम सर्कल करेंगे. देखिए किसका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला नंबर, किसमें देखिए 1 है, 1/3, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट ग्रुप में देखेंगे, ये देखिए 6/7, ये देखिए 1/4 है, इसको सर्कल कर लेंगे. 1/9, इसको भी सर्कल कर लेंगे. इसको करेंगे नहीं करेंगे, 3/5 को नहीं करेंगे, 3/4 को नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें जो न्यूमरेटर है वो 1 नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनसर्कल द लाइक फ्रैक्शन इन ईच ग्रुप. इसमें देखिए क्या करना है, सर्कल करना है लाइक फ्रैक्शंस पर. मैंने आपको क्या बताया था, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो. ओके, तो वो क्या हो गए, हमारे
लाइक फ्रैक्शंस होगा। तो चलिए हम देखेंगे किस किस के डिनोमिनेटर सेम है। ये देखिए एट है, यहाँ पर एट कहीं और है, यस है, बाकी किसी में है नहीं है, बाकी सब तीनों अलग अलग है, सेवन फाइव और थ्री, सबके डिनोमिनेटर अलग है। इट मीन्स इसको फाइव बाई एट एंड थ्री बाई एट को हम सर्कल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सिक्स बाय सेवन, टू बाय सेवन, थ्री बाय फाइव, वन बाय फोर एंड वन बाय सेवन। इसमें देखिए सेवन सेवन है, ये मैच हो रहे हैं, सेम है ये, तो इन तीनों को हम सर्कल कर लेंगे, बाकी तो दोनों अलग है, फाइव है और फोर है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी भी सेम हम ऐसे ही कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, इनसर्कल द अनलाइक फ्रैक्शंस इन ईच ग्रुप। इसमें देखिए क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ओके तो देखेंगे इसमें किस किसके हैं। अब देखिए इन दोनों में एट एट तो सेम हो रहा है, इट मीन्स ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो इसको हम सर्कल नहीं कर सकते हैं, हमें अनलाइक फ्रैक्शन सर्कल करना है। तो बाकी जो अलग है, फोर बाय फाइव, वन बाय फोर एंड फाइव बाय थ्री, इन तीनों को हम सर्कल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थ्री बाय सेवन, वन बाय नाइन, फाइव बाय सेवन, टू बाय फाइव एंड थ्री बाय सेवन। इसमें आप देख सकते हैं सेवन सेवन सेम है, तो ये तो अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक क्या होंगे, वन बाय नाइन एंड टू बाय फाइव, क्लियर है, बाकी भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, इनसर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस इन ईच ग्रुप। स्टूडेंट इसमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमको हर एक ग्रुप के प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करना है। अभी प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, थ्री बाय सेवन में देखेंगे, थ्री बाय सेवन में देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस पर हम सर्कल कर लेंगे। देन नाइन बाय टू, नाइन बाय टू में तो देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इट मीन्स ये क्या है, इम्प्रॉपर हो गया, तो ये इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इलेवन बाय फाइव, इलेवन बाय फाइव में भी सेम, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसको भी सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट फोर बाय नाइन, देखिए इसमें नाइन बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है डिनोमिनेटर, इसको भी सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट इज टू बाय फाइव, इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको भी सर्कल कर लेंगे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स बाय फाइव, देखिए इसमें सिक्स बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो इसको सर्कल नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट इज थ्री बाय टू, थ्री बाय टू में भी आप देख सकते हैं न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसको भी सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज वन बाय फाइव, इसमें देखिए स्टूडेंट्स न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज सेवन बाय एट, इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज नाइन बाय फाइव, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको हम सर्कल नहीं कर सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स, बाकी के सेम हम ऐसे ही कर लेंगे सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में दिया गया है, हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। ओके तो चलिए हम देखते हैं, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, इलेवन बाय फाइव। ओके तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम इसमें डिवाइड करते हैं, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट पहले हम इसको सिंपल वे में सीखेंगे। अब देखिए 11 क्या है, 11 को हम अंदर लिखेंगे और 5 को हम बाहर लिखेंगे, ये हमारा डिवाइजर हो गया। चलिए 5 का टेबल रीड करते हैं, 5 वन ज़ार 5, 5 टू ज़ार 10, यहाँ पर देखिए क्या रिमाइंडर आएगा, 1, यहाँ पर 0। ओके तो देखिए स्टूडेंट इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टू होल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टू होल हो गया हमारा, यहाँ पर वन बाय फाइव, तो देखिए रिटर्न में ये ऐसे आएगा, टू फाइव ज़ार टेन, वन इलेवन, इलेवन बाय फाइव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 21 बाय 8। ओके इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 21 को डिवाइड कर लेंगे 8 से, 8 वन ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 8 थ्री ज़ार 24, 24 बड़ा हो जाएगा, तो टू टाइम से हम लेंगे, 8 टू ज़ार 16। अब देखिए 11 में से 6 को माइनस किया, कितना आंसर आएगा, 5, और यहाँ पर क्या आएगा, 0। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं ना, 2 होल 5 बाय 8, 2 होल, 2 को होल में लिख दिया, यहाँ पे 5 लिया, रिमाइंडर को लिया फिर हमने, और डिवाइड में लिख दिया 8। ओके तो ये कितना हो जाएगा, 8 बन जाए 16, 16 प्लस 5 21, 21 बाय 8, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करना है। ओके तो चलिए हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें दिया गया है 2 होल 2 बाय 7। ओके तो देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं,
ये 2 है इसका हम 7 में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 7 में, और इसका जो आंसर आता है उसमें ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको ऐड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नीचे 7, नीचे 7 है यहाँ पर इसको 7 लिख देंगे। 2 7 सर कितने होते हैं, 14 प्लस 2 और डिवाइड में तो ये आएगा ही 7। ओके देखिए अब कितना हो जाएगा, 14 प्लस 2 कितने होते हैं, 16, तो देखिए 16/7 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज 5 होल 1/8, इसको भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, डिवाइड में क्या है नीचे 8 का 8 ही रहेगा। ओके नाउ अब 5 8 जार कितने होते हैं, 40, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 प्लस 1 एंड डिवाइड में 8, ये कितना हो जाएगा, 41/8। ओके क्लियर है सभी को। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन कैसे करते हैं इसमें हम, फर्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कंपैरिजन करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में तो आपको पता ही है सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो इसमें हम कैसे कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं। ओके जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3/5 एंड 2/5 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर तो इसमें सेम है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप न्यूमरेटर देख के जिस साइड न्यूमरेटर बड़ा होगा उस साइड हम साइन पुट करेंगे। ओके नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं 2/5 से 1/5 को कंपेयर किया गया है, कौन सा बड़ा है, 2/5 बड़ा है, तो इधर साइड इसको साइन किया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर्स, जिसके देखेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे जिसमें न्यूमरेटर सेम हो। ओके तो चलिए इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमको 2 फिगर्स दिए गए हैं। ओके इसमें शेडेड पार्ट है 4/9, इसमें 9 है, देखिए बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेज हैं, इसमें 4 पार्ट शेडेड हैं, और ये 7 बॉक्सेज हैं तो इसमें 4 पार्ट शेडेड हैं। ओके सो वी कैन क्लियरली सी डेट द फिगर शेडेड पोर्शन ऑफ बी, जिसमें देखिए शेडेड पोर्शन है बी में इज मोर देन द शेडेड पोर्शन इन ए, ए में ज़्यादा थे तब 4 पार्ट शेडेड थे, बट इसमें कम है तब 4 पार्ट शेडेड हैं, तो इससे क्या क्लियर होता है, दस 4/7 इज ग्रेटर देन 4/9। ओके तो इसमें ये क्या हुआ, 4/7 वाला पार्ट बड़ा हुआ, इसमें शेडेड पार्ट ज़्यादा हुआ ना, क्योंकि इसमें 9 थे, 9 में से 4 शेड किए गए थे, और इसमें 7 थे, 7 में से 4 शेड किए गए। ओके नाउ इन फ्रैक्शंस हैविंग द सेम न्यूमरेटर्स, फ्रैक्शंस में अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं, द फ्रैक्शन विद हायर न्यूमरेटर विल बी द स्मॉलर फ्रैक्शन, तो जो उसमें हायर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो देख सकते हैं आप, इसमें देख सकते हैं 9 था तो ये स्मॉल रहा ना, और ये जो 7 था वो मतलब इसमें ग्रेटर बताया है इसमें, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11D। तो चलिए इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है, से यस और नो, यस और नो में इसमें हमको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वन है 7/6 इज ग्रेटर देन 1/6, अब इसमें देखेंगे क्या ये ग्रेटर है, यस 7/6 ग्रेटर है इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर इसके अलग अलग हैं, तो न्यूमरेटर इसमें 7 बड़ा है ना 1 से, तो ये क्या हो गया, यस। नेक्स्ट इज 2/9 इज ग्रेटर देन 5/5, अब देखेंगे इसमें दोनों डिफरेंट हैं। ओके तो देखिए इसमें देखिए क्या है, 2/9 है, 5/5 है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट शेडेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा नो। ओके मैंने भी आपको बताया था ना डिनोमिनेटर के लिए। नेक्स्ट में देखिए 5/4 इज ग्रेटर देन 3/4, इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बड़ा क्या हुआ, 5 बड़ा है, यस ये भी सेम है, वैसे ही कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, पुट ग्रेटर देन और लेस देन साइंस टू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन, देखिए इसमें ग्रेटर देन और लेस देन के साइन यूज करने हैं हमको कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शंस को। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वन इज 5/7 एंड 3/7, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, 3 बड़ा है, 5 बड़ा होता है तो इधर साइड हम साइन पुट करेंगे। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, 8/9 एंड 8/11, तो देखिए स्टूडेंट इसमें न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, इसमें इसके लिए वो छोटा है, तो इसमें देखिए जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, तो इधर साइड हम साइन पुट करेंगे। नेक्स्ट इज 15/11 एंड 42/11, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो 42 बड़ा है, इधर साइड हम साइन पुट करेंगे।
क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज 7/10 एंड 7/12। इसमें देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वही इसमें बड़ा होगा, तो इधर साइड हम साइन पुट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे ही सेम हम बाकी के भी कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, हमें बताना है कि इसमें बड़ा कौन सा है। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे 3/5 बड़ा है या फिर 3/11 बड़ा है। आप देख सकते हैं इसके न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, बट डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया था जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, छोटा कौन सा है? 5, तो 3/5 ग्रेटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट में दिया गया है 4/9 और 2/9, इसमें तो न्यू जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो क्लियर ही है 4/9 बड़ा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 8/15 और 8/11, इसमें न्यूमरेटर सेम है, तो इसमें हम कंपेयर डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे, तो डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो ही ग्रेटर होगा, तो 8/11 पर हम टिक करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, स्मॉलर कौन सा है, छोटा कौन सा है। ये भी सेम हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ग्रेटर बताया था वैसे ही हम स्मॉलर बता देंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 5/12 और 5/11, इसमें देख सकते हैं न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, तो देखिए जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही स्मॉलर होगा, तो 5/12 पर हम टिक कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज 9/7 और 3/7, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे कौन सा छोटा है, 3 छोटा है 3/7, तो 3/7 पर हम टिक कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, शेड द पार्ट्स इन ऑर्डर टू कंपेयर। इसको देखिए शेड करना है पार्ट को कंपेयर करने के लिए, और साइन पुट करना है ग्रेटर देन और लेस देन का। ओके, तो देखिए इसमें फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट फिगर के लिए 4 में से 1 पार्ट को शेड करना है, तो देखिए ये 4 पार्ट्स है, इसमें हम 1 पार्ट को हम शेड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 1 पार्ट शेड कर लिया हमने। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है 5/8, ये बदे वो, तो हमारे पास 8 पार्ट्स है, इसमें हम 5 पार्ट शेड कर लेंगे। ओके, 1 पार्ट शेड किया, देन 2 पार्ट, 3 पार्ट, आप चाहें तो कोई से भी 5 इसमें से शेड कर सकते हैं। 4 हो गए और ये 5 पार्ट्स को हमने शेड कर लिया है। अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, वह आप इसमें क्लियरली देख ही सकते हैं कौन सा बड़ा है, 5/8 बड़ा है, तो इधर साइड हम साइन पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज बी में हमें दिया हुआ है, फर्स्ट हमें दिया हुआ है 1/8, 8 पार्ट्स में से हमको 1 पार्ट को शेड करना है, चलिए हमने 1 पार्ट को शेड कर लिया। नेक्स्ट इज 3/8, इसमें देखिए इसमें भी 8 है, इसमें से हम 3 को करेंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स को हमने शेड कर लिया। नाउ अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं किसमें शेडेड पार्ट्स हैं, इसमें देखिए दोनों में इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसमें हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, 3/8 बड़ा है, तो इधर साइड हम साइन पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11C एंड 11D डन की है। ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए हैं ये आप अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद में आप इसको डन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।